हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज की बुक और हमारा 12th क्लास का 5th चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग चल रहा है। और जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉलो किए जाते हैं। पिछली वीडियो में हमने फंक्शनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। जब ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शंस के बेस पे डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं तो उसे फंक्शनल स्ट्रक्चर कहेंगे। जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट में सेल्स के रिगार्डिंग जो फंक्शंस होते हैं वो किए जाते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मार्केटिंग के रिगार्डिंग फंक्शंस किए जाते हैं, जैसे कि मार्केट में प्रोडक्ट की क्या कंडीशन है, क्या एड बनानी है एटसेट्रा। और आज हम पढ़ेंगे डिविजनल स्ट्रक्चर। ये एक पैराग्राफ दे रखा है, इसको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो जो है इससे बहुत ही लंबी हो जाएगी। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो हम समझेंगे कि डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है। डिविजनल स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट के बेस पर डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे कॉस्मेटिक, क्लोथिंग, फुटवेयर एटसेट्रा, जो प्रोडक्ट होते हैं उनके बेस पे डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, ना कि परचेज, सेल्स, मार्केटिंग एटसेट्रा के बेस पर। और फिर जो ये जो डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं प्रोडक्ट के बेस पे, बाद में इन डिपार्टमेंट को और आगे डिवाइड किया जाता है परचेज, सेल्स और मार्केटिंग के बेस पे। यहाँ पर डिविजनल स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम इस डायग्राम को समझेंगे। स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, इस जो ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्मेटिक्स का, गारमेंट्स का, फुटवेयर का और स्किन केयर का, ये सारे प्रोडक्ट बनते हैं। तो कॉस्मेटिक्स का सामान जो है वो अलग, उसके लिए अलग डिवीजन बनाया जाएगा, और जो गारमेंट्स का जो सामान है उसके लिए अलग डिवीजन बनाया जाएगा, और फुटवेयर के सामान के लिए अलग से डिवीजन बनाया जाएगा। जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसके अंडर अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डिवीजन, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। और फिर क्या किया जाता है कि जैसे कॉस्मेटिक्स का सामान जहाँ बनता है उसके अंडर और दूसरे डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बनाया जाएगा, मार्केटिंग किस तरह से करेंगे हम कॉस्मेटिक के सामान की, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए अलग डिपार्टमेंट बनाएंगे और परचेजिंग के लिए अलग डिपार्टमेंट बनाएंगे। तो हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो डिविजनल स्ट्रक्चर है यह उन कंपनीज में, उन एंटरप्राइज में बनाया जाता है जिसमें अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहां पर वैरायटी वाले प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहां डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है और हर प्रोडक्ट का अपना अलग डिपार्टमेंट होता है और इनके अंडर परचेज, सेल्स, मार्केटिंग के डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। और जो डिविजनल जो स्ट्रक्चर होता है इसमें अगर हमें एक अलग से डिपार्टमेंट बनाना हो तो वो आसानी से बन जाता है, हमें जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं उनमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम इसके एडवांटेज पढ़ेंगे। द डिविजनल स्ट्रक्चर्स ऑफर्स मेनी बेनिफिट्स। जो डिविजनल स्ट्रक्चर होता है किसी एंटरप्राइज का उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। प्रोमिनेंट अमंग दीज आर एज फॉलो, जिसमें से कुछ ये हैं। फर्स्ट है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरिएड स्किल्स इन ए डिविजनल हेड एंड दिस प्रिपेयर्स हिम फॉर हायर पोजीशन। एक जो डिविजनल हेड है उसमें अलग अलग वैरायटी की स्किल डेवलपमेंट हो पाता है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन की हेल्प से, और इससे जो डिविजनल हेड है वो हायर पोजीशन के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसने प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट है उनके सबके बारे में नॉलेज उसको हो जाता है। दिस इज बिकॉज ही गेन एक्सपीरियंस इन ऑल फंक्शंस रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। यह इसलिए होता है क्योंकि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की उससे रिलेटेड जितने भी फंक्शन है उन सभी का एक्सपीरियंस उसको हो जाता है।
सेकंड, डिविजनल हेड्स आर अकाउंटेबल फॉर प्रॉफिट्स एज रिवेन्यूज एंड कॉस्ट रिलेटेड टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड एंड असाइन टू डिविजनल हेड, जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड प्रॉफिट, रिवेन्यू और कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो आसानी से उनको आइडेंटिफाई कर लेता है और उनको असाइन कर सकता है इम्प्लॉइज में. प्रोवाइड्स ए प्रॉपर बेसिक फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट, यह एक प्रॉपर बेस प्रोवाइड करता है परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए. इट आल्सो हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द डिवीजन एंड अप्रोप्रिएट रेमेडियल एक्शन कैन बी टेकन, और यह हेल्प करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में. अगर कोई डिवीजन की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो वह उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में हेल्प करता है. क्या डिविजनल स्ट्रक्चर एंड और यह अप्रोप्रिएट रेमेडियल एक्शन कैन बी टेकन, और जो अप्रोप्रिएट कोई एक्शन लेना है उसके को सही करने के लिए, उस परफॉर्मेंस को में सुधार करने के लिए, तो वो हम ले सकते हैं. थर्ड, इट प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव बिकॉज ईच डिवीजन फंक्शंस एज एन ऑटोनोमस यूनिट विच लीड्स टू फास्टर डिसीजन मेकिंग, और यह फ्लेक्सिबिलिटी और इनिशिएटिव को प्रमोट करता है क्योंकि प्रत्येक जो डिवीजन के फंक्शंस हैं वो ऑटोनोमस यूनिट है, एक इंडिपेंडेंट यूनिट है, विच लीड्स टू फास्टर डिसीजन मेकिंग, इससे जो डिसीजन मेकिंग है वो फास्ट होती है. क्यों? जैसे कि एक जो डिपार्टमेंट है उसके सारे काम एक ही सीनियर एम्प्लॉय देख रहा है तो उसको पता है कि उसको कहाँ किस टाइम किस तरह का डिसीजन लेना है, ये उसके लिए एक प्लस पॉइंट है. फोर्थ इज इट फैसिलिटेट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ एज न्यू डिविजन्स कैन बी एडेड विदाउट इंटरप्टिंग द एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस बाय मियरली एडिंग अनदर डिविजन हेड एंड स्टाफ फॉर द न्यू प्रोडक्ट लाइन, और जो डिविजनल स्ट्रक्चर है एक्सपेंशन में को भी आसान बनाता है. अगर जैसे कि किसी भी एंटरप्राइज को कोई नया प्रोडक्ट लाइन ऐड करना है, जैसे कि इसमें जो प्रोडक्ट दे रखे थे कि कॉस्मेटिक्स है, गारमेंट्स हैं और स्किन केयर वगैरह है, और अगर वो चाहते हैं कि वो इसमें एक अलग से प्रोडक्ट लाइन ऐड करें, जैसे कि वो चाहते हैं कि वो हाउस होल्ड आइटम का एक सेक्शन और ऐड करें, तो ये करना इजी है क्योंकि इससे वो अलग से एक अलग डिविजनल हेड बना के और उसके अंडर स्टाफ अपॉइंट करके इस काम को कर सकते हैं, और इससे जो एग्जिस्टिंग जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उनमें भी कोई इंटरप्शन नहीं आएगा. डिसएडवांटेजेस, द डिविजनल स्ट्रक्चर हैज सर्टेन डिसएडवांटेज, सम ऑफ देम आर एज फॉलोज. फर्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट में अराइज अमंग डिफरेंट डिविजन्स विद रिफरेंस टू एलोकेशन ऑफ फंड्स एंड फर्दर ए पर्टिकुलर डिविजन में सीक टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट एट द कॉस्ट ऑफ अदर डिविजन्स. कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं अलग अलग डिविजन्स में, क्यों? क्योंकि जो फंड्स हैं अगर उनमें जो फंड्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो एक सभी का प्रॉपर नहीं है, सिमिलर नहीं है, तो इस वजह से डिविजन्स के अंदर कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है. सेकेंड, इट मे लीड टू इंक्रीज इन कॉस्ट सिंस देयर मे बी ए डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज अक्रॉस प्रोडक्ट्स. इसमें कॉस्ट भी इंक्रीज हो सकती है क्योंकि इसमें डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी का जो काम का बार बार रिपीट होने का जो है चांस अधिक होता है, इससे कॉस्ट बढ़ती है. प्रोवाइडिंग ईच डिवीजन विद सेपरेट सेट ऑफ सिमिलर फंक्शंस इंक्रीज एक्सपेंडिचर, और प्रत्येक डिवीजन को एक अलग से एक सेट सिमिलर फंक्शंस का प्रोवाइड करना पड़ता है जिससे कि खर्चा बढ़ता है. यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट प्रत्येक प्रोडक्ट लाइन के अंडर बनाएंगे
तो इससे जो खर्चा है वो बहुत अधिक बढ़ जाएगा। थर्ड, इट प्रोवाइड्स मैनेजर्स विद द अथॉरिटी टू सुपरवाइज ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर डिवीजन। ये मैनेजर्स को अथॉरिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो जो पर्टिकुलर डिवीजन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन सभी को सुपरवाइज कर सकें। इन कोर्स ऑफ टाइम सच ए मैनेजर में गेन पावर एंड इन ए बिड टू असर्ट हिज इंडिपेंडेंस में इग्नोर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। इस तरह से जो एक मैनेजर है उसके पास अधिक पावर आ जाती है और वो इंडिपेंडेंट हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर किसी का किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, तो वो सिर्फ अपने डिवीजन के लिए काम करता है और जो ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है उसको इग्नोर कर देता है। सूटेबिलिटी, डिविजनल स्ट्रक्चर इज सूटेबल फॉर दोज बिजनेस एंटरप्राइज वेयर ए लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग डिफरेंट प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। डिविजनल स्ट्रक्चर जो है वहां पे सूटेबल है उन बिजनेस एंटरप्राइज में जहाँ पे लार्ज वैरायटी में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं और जो अलग-अलग प्रोडक्टिव रिसोर्स का यूज करते हैं। व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज एंड नीड टू ऐड मोर एम्प्लॉइज, क्रिएट मोर डिपार्टमेंट एंड इंट्रोड्यूस न्यू लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इट विल डिसाइड टू अडॉप्ट ए डिविजनल स्ट्रक्चर। और जब एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है तो उसको और अधिक एम्प्लॉइज की आवश्यकता होती है ताकि वो एक और डिपार्टमेंट क्रिएट कर सके और एक नए मैनेजमेंट का एक नया लेवल इंट्रोड्यूस कर सके। इसके लिए वो डिविजनल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करने का डिसाइड करते हैं। जब डिविजनल स्ट्रक्चर किसी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया जाता है तो उसमें एक अलग से डिपार्टमेंट बनाना आसान होता है। डिविजन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो वहीं पर फॉलो किया जाता है जहाँ पे एक लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर माय वीडियोस एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।